हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है निकांतिल फैमिली ब्लॉग्स में। तो जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, बड़ा या छोटा, बड़ों को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार। उम्मीद होगी कि आप सब ठीक होंगे, आपके घर में भी सब कुछ ठीक होगा। तो यहाँ पे हमारे धान कटने लग गए हैं, तो धान हमने कटवा दिए थे, मशीन लगी थी। ये देखिए आप, मतलब धान हमारे आए हुए थे, 15.09 लगाई हुई थी हमने, तो वो हमने कटवा दी है। तो कटवा तो हम पहले भी देते, लेकिन बारिश हो गई, तो बारिश होने के कारण फिर कई दिन रुकना पड़ गया। तो कई दिन बारिश रही, तो इस करके फिर धान थोड़ा सा, तब धरती सूखती तो तब ही कटवाते, तो इस टाइम पे सही धान कट गया। मतलब वैसे तो सही निकल गया है, पर पहले कटवा देते तो और ज़्यादा बेनिफिट होता। लेकिन वही बात है, भाग्य का मिलता है, जो भी मिलता है भाग्य से ऊपर कुछ नहीं मिलता है। तो भगवान ने अभी भी अच्छा दे दिया है, तो अच्छी फसल निकली है, बहुत ही अच्छी। मतलब ये है कि, लेकिन ये है कि हाँ, रेट डाउन चले गए धान के। पहले मतलब बारिश से पहले तो सही रेट था, करीब 3500 के करीब था, लेकिन अब है वो 3000 के करीब चला गया, तो 500 रुपये का लॉस हुआ है धान में भी। लेकिन ये है कि हाँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो मिलता है वही बात है, जितना नसीब में होता है उतना ही मिलता है। लेकिन ये है कि अब भी टाइम से मतलब कट गए हैं हमारे धान, और ये देखिए कंपैन अपना लगी पड़ी है ट्रैली भरने में, तो अच्छी है हुई है फसल अब की बार, तो काफ़ी बेनिफिट भी है। तो इसी तरह उम्मीद होगी कि हाँ, आप लोगों के भी धान कट चुके होंगे। और इस टाइम पर है ना, महामारी हो रही है पूरी। कंपैन हमारी दिन में आनी थी 1-2 बजे, लेकिन आई वो शाम को ही, तो इस करके फिर रात हो गई थी धान कटने में भी, और ये फिर रात को ही खेत में गए हुए थे। तो कम से कम 10 बजे के करीब आए होंगे धान कटा के और ट्रैली ट्रोली भरा के, तो फिर ये सुबह मतलब मंडी में भी लेके जानी थी धान, तो इस करके फिर रात को ही काम किया। अब सीजन है ना धान काटने का, तो इस करके पहले तो मतलब ये था कि भाई हाथों से कटवा देते थे, लेकिन अब तो कंपैन आ गई है, तो कंपैन से ही काम करवाते हैं सारा, तो इस करके फिर जल्दी भी हो जाता है, फिनिश भी हो जाता है। पुराल वगैरह हमारे घर में यूज़ नहीं करते हैं, तो इस करके फिर हम कंपैन से ही कटवा देते हैं सारे धान। तो रात को लगे हुए थे ये, तो ये था कि हाँ भी चलो टाइम से ही आ गई थी मशीन भी, नहीं तो फिर अभी बारिश का भी मौसम होने वाला है आगे, बता रखी है कि भी 1-2 दिन में बारिश होने वाली है, तो इस करके फिर हमने जल्दी कटवा दिया, तो टाइम से कट गए हैं धान भी। तो सारा काम निमट चुका है, अब तो बस ये है कि धान हम बेच भी आए हैं मंडी में, तो सही रेट चला गया है धानों का भी। जितना वो तो है ही, लॉस और प्रॉफिट तो देखो कोई नहीं बता सकता, जितना नसीब में होता है उतना मिलता है, तो इस करके तो अब लगे हुए हैं सारे। तो ये छोटा भी दोनों गए हुए थे खेत में धान जब कट रहे थे, और अभी नीरज यहाँ पे मंडी में गए हुए हैं, तो वहाँ पे देखो कैसे काम कर रहे हैं मजदूर सारे, मतलब तोल रहे हैं। इस टाइम पे मंडी भरी पड़ी थी, हर किसी के धान आ रहे थे, क्योंकि लोगों में वही बात है, अब बारिश होगी ना अब की बार तो फिर बीमारी आ जाएगी फसल में, तो इस करके फिर धान खराब ही हो जाएंगे अपना लगे पड़े हैं कटवाने में। तो करो भी जल्दी से अपना अपना सारा काम फिनिश करो और मंडी में बेच के आओ, पैसे कमाओ। चलो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।